कृषि बिल को लेकर किसान सरकार पर आक्रोशित हैं। बता दें कि किसान लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर किसान कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच बिहार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। क्या कुछ कह रहे हैं नित्यानंद राय, आप भी सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि हम किसानों की आमदनी को दुगना करेंगे और इस प्रकार से बहुत सारे क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। देश आज़ाद 1947 में हो गया, लेकिन किसानों को अपने ही उत्पाद यानी अपना अनाज, अपनी सब्जियां या अपने खेत में उपजाए गए किसी भी प्रकार के फसल को बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। अब किसान को स्वतंत्रता मिली है कि उसको जहां अधिक दाम मिले वहां जाकर वह अपने कृषि उत्पादन को बेच सके, कहीं भी बेच सके। यह आज़ादी पहले नहीं थी, अब किसानों को यह आज़ादी मिली। देखिए, इसमें कम्युनिस्ट भी पॉलिटिक्स कर रही है, कांग्रेस भी पॉलिटिक्स कर रही है और किसान का हित नहीं देख रही है। किसान का हित हमारे नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों की भलाई के लिए सारे कदम उठाए जा रहे हैं और जो भी भ्रम किसानों के बीच वह पैदा कर रहे हैं उस संबंध पर हमारे केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय कृषि मंत्री जी, आदरणीय रेल मंत्री जी समेत कई प्रकार से किसानों से वार्ता हुई है, लेकिन किसान के हित में जो बातें हैं उसको ओझल करने का काम कम्युनिस्ट और कांग्रेस के नेता लोग करने का काम कर रहे हैं।